आज मुझे बेहद खुशी है कि यहाँ पे बुराड़ी में 2000 मीट्रिक टन का सीएनडी वेस्ट का प्लांट इनॉग्रेट किया गया है। सीएनडी वेस्ट मतलब मलबा। हम देखते हैं कि दिल्ली में जगह जगह मलबे के ढेर पड़े रहते हैं और उसकी वजह से गंदगी फैलती है, तो ये 2000 मीट्रिक टन का प्लांट बनाए यहाँ पे उस मलबे से ईंटें टाइल वगैरह बनाई जाएंगी, जिसका बाद में इस्तेमाल तो रिसाइकलिंग होगा मलबा, और लगभग 95% के करीब मलबा जितना आएगा वो रिसाइकल हो जाएगा। ये देश का सबसे बड़ा प्लांट है और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। दिल्ली में लगभग 6,500 टन मलबा डेली निकलता है। अब ये प्लांट बनने के बाद दिल्ली में लगभग 5,000 मीट्रिक टन का मलबा प्रोसेस हो सकता है। 1,000 मीट्रिक टन हम ओखला में बनाने जा रहे हैं और थोड़ा सा कैपेसिटी एनहांसमेंट करेंगे, तो साल डेढ़ साल के अंदर दिल्ली में जितना मलबा प्रोड्यूस होता है वो सारा का सारा मलबा जो है उसका रिसाइकलिंग होना चालू हो जाएगा। तो मलबे के एक तरह से दिल्ली को निजात मिल जाएगी, तो मुझे बेहद खुशी है। मैं नगर निगम को बधाई देना चाहता हूँ, और देख रहे हैं कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है नगर निगम में सब अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं। पिछले एक साल से पहले नगर निगम भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता था, कर्मचारी जो हैं कई कई महीने तनख्वाह के लिए हड़ताल पे रहते थे, दो दो तीन तीन महीने तनख्वाह नहीं मिलती थी। अब लोगों को टाइम पे तनख्वाह मिलने लगी है और अच्छी अच्छी बातें आ रही हैं, सफाई होने लगी है पूरी दिल्ली के अंदर, सीएनडी वेस्ट के प्लांट बन रहे हैं। टाइम लगेगा, मैं ये नहीं कह रहा सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन अब अच्छी दिशा के अंदर, क्योंकि ईमानदार सरकार है। आम आदमी पार्टी इन्हीं लोगों का किया हुआ है, हमारा थोड़ी है, इन्हीं लोगों की पुराना इन लोगों का किया हुआ है, तो ये लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं।